नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के पर्यटन और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बिलखेत क्षेत्र में शुरू हुई साहसिक खेल गतिविधियों का लुत्फ उठाते हुए साहसिक खेल का पर्यटन की दशा सुधारने के जरिया बताया है। साथ ही सतपाल महाराज ने बता दें कि साहसिक खेलों को हरी झंडी दिखाई है और साथ ही साहसिक गतिविधियों का भी शुभारंभ किया है। वही सतपाल महाराज ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर साहसिक खेलों से पहाड़ी जिलों की दशा बदली जा रही है और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लुत्फ उठाने के लिए यहां पर पर्यटक पहुंचते हुए नजर आए हैं। लैंसडाउन से वापस लौटने के बजाय बिलखेत में पहुंचेंगे, जिसका इस दौरान बता दें कि पर्यटक को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। महाराज ने कहा है कि नैर घाटी में पर्यटन की संभावना बढ़ने के लिए जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स भी शुरू की जाएगी। हमारे लैंसडाउन में पर्यटक आ रहा है और उसके बाद वो सोचता है कि क्या करूं मैं, तो हम चाहते हैं कि ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी, ये हमारी जो हमारा फ्लाइंग सफारी है, ये सब जगह यहाँ पर हो। और भी हमारी बहुत सुंदर घाटियाँ हैं और इस प्रकार के स्थान हैं जहाँ हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एयर बलूनिंग भी हो रही है और अपने आप में अगर आप टर्की में कापाडोसिया में जाएं तो हजारों बलून्स वहाँ उड़ते हैं। कोटद्वार में आज 3 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल के शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया है। साथ ही कार्यक्रम का प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सम्मानित किया। वहीं अध्यक्ष सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाती नजर आई है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 5 साल बाद किया गया है, जिसका उद्देश्य कोटद्वार के पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ा देना है। आज कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल की शुरुआत हमने की है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक ये फेस्टिवल रहेगा। 5 साल के बाद ये दोबारा कोटद्वार में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है और इसके लिए मैं अपने जो हमारे डीएम हैं डॉक्टर आशीष चौहान, डीएफओ हैं, एसडीएम हैं, उन सबको बधाई देना चाहती हूँ। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा से कोटद्वार में शुरू किया है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, मुझे जानकर खुद भी हैरानी हुई कि 700 प्रजातियाँ हैं पक्षी की उत्तराखंड में और 400 से ऊपर कोटद्वार में पाई जाती हैं। कहते हैं चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। कर्णप्रयाग में एक महिला का एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएम की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों ठग दिल्ली के लिए रहने वाले थे और पुलिस टीम की इस सफलता पर एसपी चमोली ने बताया है कि 2500 रुपये की इनाम देने की घोषणा की थी। सीओ कर्णप्रयाग ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया। सीओ ने बताया है कि पीड़ित महिला की तहरीर पर आधार पर पुलिस ने टीम का गठन किया और दिल्ली में रहने वाले 2 एटीएम ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कर्णप्रयाग क्षेत्र में पीएनबी एटीएम में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक महिला का एटीएम बदल के उसके एटीएम से अलग अलग जगह से पैसा निकाला गया था। तो उसमें जैसे ही थाने में सूचना आई, उसमें अब तत्काल अभियोग पंजीकृत कर टीम का गठन किया गया। इसमें टीम द्वारा सीसीटीवी और अन्य साक्ष्य संकलन कर चेक किया गया तो इसमें पाया गया कि 2 अभियुक्त जो दिल्ली के रहने वाले हैं, गौरव शर्मा और राहुल, इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। आज न्यायालय अभिरक्षा में इनको भेजा जा रहा है और इसमें एसपी महोदय द्वारा 2500 इनाम की घोषणा की है। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नगर पालिका और जिला पंचायत ने आपसी विवाद के कारण आजाद मैदान बदहाल हो चुका है। बता दें कि यह मैदान नगर पालिकाओं के अधीन में रहता है, पर जनवरी में होने वाले माघ मेले के कारण नगर पालिका इस मैदान को जिला पंचायत के अधीन कर देती है और साथ ही माघ मेला समाप्त होने के बाद दोनों विभाग इस मैदान की सुध तक नहीं लेते हैं। कुछ समय के बाद ही इस मैदान पर लाखों रुपए की घास बिछाई जाती है और साथ ही यहां पर कीचड़ और कीड़े की ढेर देखने को मिलते हैं। साथ ही आप देखिए कितनी गंदगी है इस पार्क में और साथ ही बता दें कि स्थानीय लोग इस गंदगी से, इस पार्क से काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं रामलीला मैदान उत्तरकाशी की, जो कि शहर का एक हृदय है
और ये पूरा यहाँ पर जो भी एक ड्यूटी बनती है नगर पालिका की बनती है, मगर दुर्भाग्य है उत्तरकाशी के शहर का और उत्तरकाशी की नगर पालिका का कि जहाँ पर ये जिसको हृदय कहा जाता है आज 30 लाख की घास का कोई पता नहीं है, 30 दिन के भी नहीं, यहाँ पर 30 लाख की घास की जगह पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच पूरी नहीं हो पाई है और साथ ही बता दें कि एक और भर्ती घोटाला का मामला सामने आ गया। बता दें कि अब की बार जेई और एई परीक्षा में धांधली का खुलासा हुआ है। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद से बता दें कि SIT की ओर से हरिद्वार में कनखल थाने में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिली थी कि लोक सेवा आयोग द्वारा जून 2022 में कराई गई जेई और एई की परीक्षा में धांधली हुई है। CM ने बता दी कि इस दौरान SIT को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। SIT की प्रारंभिक जाँच के बाद जेई और एई परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आए। गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद CM धामी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। CM धामी के निर्देश पर SIT ने कनखल थाने में 9 लोगों पर खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये परीक्षा को लेकर कुछ शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उनके द्वारा इस पर विस्तृत जांच के आदेश दिए गए थे। इसकी जांच जो है SIT हरिद्वार द्वारा की जा रही थी। प्रथम दृष्टया इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य है जो इस परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक की ओर इंगित कर रहे थे, जिससे शासन को तत्काल अवगत कराया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए, जिसके क्रम में आज थाना कनखल पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हरिद्वार में माफियाओं के खिलाफ न केवल जिला प्रशासन बल्कि प्रदेश सरकार भी लगातार सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिले के गैंगस्टरों पर नकेल कसने के साथ ही अब पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कस दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर जिले की पुलिस ने बता दी कि ज्वालपुर के हिस्ट्री शीटर सतार समेत 7 आरोपियों की 2.36 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। हरिद्वार में पिछले कुछ सालों से नशे का कारोबार जमीन से आसमान तक पहुंच गया है। इसी नशे के कारोबार में काली कमाई में इन नशे के सौदागरों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है और अब इन संपत्ति पर शासन प्रशासन कार्रवाई कर रही है। CM ने विशेष आदेश पर पुलिस के NTPS एक्ट के नशे के कारोबारियों पर पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। नशे की कमाई पर जोड़ी गई संपत्ति को जब्त किया गया है। इनकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है। कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप सा मचा हुआ है। कार्रवाई की जाए इसके तहत हरिद्वार पुलिस ने जो है 9 जो इसमें गैंगस्टर के अपराधी थे जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में इनके दर्ज थे कि 9,60,00,000 की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज करने के लिए जो जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित कर दी है, जो जिसमें सभी उनकी जानकारी है जो उनके द्वारा अपनी आय से अधिक संपत्ति अपने या अपने मित्रों या दोस्तों के नाम या परिवारजनों के नाम खरीदी थी। जनपद मथुरा के मोंगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़पुरा में पुलिस ने बीती देर रात महिला की छेड़छाड़ और लूट की शिकायत पर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पहुंची थी, तो वहीं इस दौरान आरोपियों के परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर हमला बोलते हुए जमकर पथराव करना शुरू कर दिया, साथ ही लाठी डंडे भी बरसाए। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा पुलिसकर्मियों की राइफल भी छीन ली गई। पुलिस के साथ आरोपियों के परिजन और साथ ही ग्रामीणों के द्वारा की गई मारपीट में 2 SI और साथ ही एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने अपनी पिटाई के बदला लेने के लिए गुरुवार देर शाम मुठभेड़ के दौरान घटना के शामिल एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को पुलिस ने गोली लग गई, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। बीती रात थाना मोगरा क्षेत्र में ग्राम बंडीपुरा में पुलिस टीम पे कुछ लोगों ने हमला किया था तथा पंप एक्शन गन पुलिस टीम की छीन ली थी। संबंधित प्रकरण में जैसा मैंने पूर्व में बताया था, अभियोग पंजीकृत किए गए थे। एक अभियोग उस महिला की तरफ से पंजीकृत किए थे जिसकी शिकायत पर पुलिस टीम बंडीपुरा पहुंची थी, जिसमें महिला ने शिकायत किया था कि उनके साथ छेड़खानी और उनके आभूषण लूट लिए थे इन बदमाशों ने। बता दें कि देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस दौरान बदमाश को गोली भी लग गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि
पुलिस ने महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ और लूट की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए पहुंची और इस दौरान आरोपी के परिजनों और साथ ही कुछ ग्रामीणों ने जमकर हमला बोला, साथ ही पथराव भी करते हुए नजर आए, जिसके बाद से लाठी डंडे बरसाने उन्होंने शुरू कर दिए और पुलिस कर्मी की राइफल भी छीन ली। पुलिस के साथ आरोपियों के परिजन और ग्रामीण द्वारा इनकी मारपीट की गई है। दो SI और एक हेड कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये देखिए तस्वीर, किस तरीके से ये मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस भी घायल हुई है। और साथ ही बता दें कि बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान बदमाश के परिजनों ने, ग्रामीणों ने जमकर वहां पर लाठी डंडे बरसाते हुए साथ ही पथराव करते हुए पुलिस पर नजर आई, जिसके बाद से पुलिस के जो कांस्टेबल है वे घायल हो गए हैं। और अब खबर अमेठी से है, जहां पर बता दें आपको कि केंद्र महिला एवं बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी 5 विधानसभा क्षेत्र में किसानों की फसल को बता दें कि छट्टा पशुओं से बचवाने के लिए पहले धरातल पर गांववार उनका आंकड़ा चुपचाप जुटवाया और उसके दौरान जिलाधिकारी अमेठी और रायबरेली को पत्र लिखकर सभी छुट्टा पशुओं को आश्रय स्थल में भिजवाने के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पत्र के साथ ही ब्लॉक और गांववार छुट्टा पशुओं का पूरा बता दें कि विवरण भी भेजा गया है। अमेठी के संसदीय क्षेत्र में सांसद को प्राप्त एक आंकड़ों में अनुसार अमेठी संसदीय क्षेत्र में कुल 25,397 पशु है और इस दौरान ये छुटका पशु है जिन्हें लगातार बता रहे हैं कि इनको ले जाने को लेकर एक पत्र लिखा गया है। और साथ ही बता दें कि अमेठी ज़िले में 15,269 छुट्टा पशु पाए गए हैं जो किसानों की फसल बर्बाद करते हैं, जिनका स्मृति ईरानी ने आंकड़ा मंगवाया है और इस दौरान तमाम जगहों पर इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं कि इनको जो पशु है, जो गौशाला है, वहां इनको रखवाया जाए। सरहद पर बसा एक ऐसा गांव जहां पर 90% किसान खेतीबाड़ी तो करते हैं लेकिन जरा हट के खेतीबाड़ी करते हैं। महाराजगंज जिले के नौतमा क्षेत्र में अर्धा गांव में किसानों ने गोभी, ब्रोकली, टमाटर, पत्ता गोभी की खेती करके अपने गांव में ही रहते हुए घर के मकान, बच्चों की पढ़ाई, चार पहिया वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे दो पहिया वाहन तक खरीद लिया है। बता दें कि महाराजगंज जिले के यह गांव ऐसा गांव है जो पूरे जिले में गोभी की पैदावार के लिए प्रेरित हुआ है और दिखाई देता हुआ नजर आता है। जिले में सबसे ज़्यादा खेती गोभी की यहाँ पर की जाती है। अब खबर इटावा से है, जहां पर समाजवादी पार्टी 2024 के संसदीय चुनाव में सत्ता में आने के मिशन में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव ने कहना है कि संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है लेकिन आम जनमानस को भटकता करने के लिए वोट लेना चाहती है। लग्जरी गाड़ियों पर स्टंट बाजी करने का शौक युवाओं में सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। ना इन्हें कानून का भय है, ना ही पुलिस की कोई भी चिंता है। ऐसे में युवा लग्जरी गाड़ियों पर स्टंट बाजी करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बता दें कि चलती गाड़ी के छत पर बैठकर फोन पर बतियाता नजर आ रहा है। यह एक पुलिस के बता दें कि इस मामले को लेकर हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस इस नज़ारे को चुपचाप बैठकर देखती हुई नजर आती है। बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में संभल जिले के यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने बताया है कि कार के छत पर बैठे युवक की वीडियो सामने आई है। यह कार संभल के एक शख्स की है। जिले की बता दें कि ट्रस्ट करने के बाद से 2,000 का इन पर जुर्माना लगाया गया है। हालांकि गाड़ी के कागजात पूरे निकले हैं लेकिन कार मालिक को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह की हरकत सामने आई तो बड़ी कार्रवाई गाड़ी का
संज्ञान में आया कि इस पे स्टंट कर रहे थे, तो उसका चलान कर दिया गया है। आगे भी क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह? हमारा यही संदेश है कि इस तरह की हरकत ना करें, इससे इस तरह दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, तो ऐसा काम ना करें। सर चालान कितने काटा है? इसका चालान 2000 रुपये का काटा गया है। और इसी तरह मेरा सभी से निवेदन है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, अपने वाहनों में हूटर ना लगाएं और स्टैंड और स्पीड ड्राइविंग ना करें। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक की पत्नी ने हत्या के आरोप है, जो कई महीने से फरार चल रहा है। और साथ ही फिरोजाबाद जिले के थाना शौकहाबाद क्षेत्र के नगला किला में जून 2022 महीने में युवक ने अपनी पत्नी नेहा की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस ने युवक पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। देर रात मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी इनामी बदमाश अक्षय पुत्र राम किशन नगला किला क्षेत्र में है। वही भूड़ा नगर नहर पुल से छिलछामिया नहर पुल की तरफ जा रहा है। वही सूचना पर पुलिस ने हरकत में आई है और पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी देख अक्षय ने पुलिस के तमंचे पर फायरिंग शुरू कर दी। वही पुलिस ने जवाबी फायरिंग में अक्षय के पैर पर गोली लग गई और वो गिर पड़ा। उसके बाद से पुलिस अध्यक्ष बता दें कि पुलिस अक्षय को अक्षय ने हिरासत में उसे ले लिया और साथ ही शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय ले गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। यह मुखबिर की सूचना पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 302 का मूल्य अक्षय प्रजापति पुत्र रामकिशन प्रजापति क्षेत्र में ही अपने आया हुआ है, तो तत्काल पुलिस SHO की टीम के द्वारा उसकी घेराबंदी के लिए छिछुराई पुल भूड़ा नहर के पास जो है पुलिस जाती है, तो पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर जो है फायरिंग की। तत्काल पुलिस जो है अपना गिरफ्तारी के उद्देश्य से उसको अपने पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है और चिकित्सा के लिए अस्पताल ले जाया गया है और आवश्यक मेडिकल की जाएगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।